हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा पिछले में टोकन्स क्या होते हैं, और टोकन्स में पहला पढ़ा रिजर्व कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं अभी तक हमने सिर्फ ये जाना, अब हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था आइडेंटिफायर के बारे में कुछ, लेकिन आइडेंटिफायर के बारे में विस्तृत जानकारी जो है अब इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर प्रोग्रामर डिजाइन टोकन्स। जो टोकन्स में आइडेंटिफायर होता है वो प्रोग्रामर की डिजाइन होती है, मतलब प्रोग्रामर अपने से लिखता है। जैसे क्लास का नेम, क्लास कीवर्ड, और क्लास नेम जो होता है, तो क्लास नेम क्या कौन लिखता है? प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बनाता है, तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर प्रोग्रामर डिजाइन टोकन्स, दे आर यूज्ड फॉर नेमिंग क्लासेस। जैसे हमने बताया अभी क्लास नेम, तो क्लास नेम की तरह यूज होता है। मेथड्स में, मेथड्स का नाम प्रोग्रामर देता है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स प्रोग्रामर डिक्लेयर करता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नॉम भी प्रोग्रामर डिजाइन करता है। फिर लेवल्स, पैकेज एंड इंटरफेस, जो पैकेज का नाम होता है, लेवल्स का नाम होता है, वो कौन डिजाइन मतलब रखता है? प्रोग्रामर। ठीक, इंटरफेस का नाम कौन रखता है? इंटरफेस जो है, इंटरफेस को ही इनहेरिट करना, या इंटरफेस का नेम जो है वो कौन? प्रोग्रामर करता है। इन सारे प्रोग्राम में ये चीजें जो डिफाइन की जाती हैं वो प्रोग्रामर के द्वारा, वही आइडेंटिफायर कहलाता है, जावा आइडेंटिफायर। ठीक, और जावा आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं, जो जब आइडेंटिफायर का हम नाम देते हैं तो वो रूल्स फॉलो करना चाहिए, तब जाके हमारे बड़ी, अभी तो मान लीजिए नॉर्मल प्रोग्राम में वो चल जाते हैं, हम किसी भी तरह देते हैं, लेकिन यदि हम बाद में जब, जैसे जावा में जो मेन क्लास होती है उसी नाम से जावा प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है, आपने ये चीज, ये रूल पढ़ा होगा। तो जिस तरह से आइडेंटिफायर में क्या होता है कि आइडेंटिफायर बनाने के भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे दे कैन हैव अल्फाबेट डिजिट्स आर द अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स। हम इसमें अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। ठीक, कैरेक्टर, ये सारी चीजें हम जब उस डिफाइन करते हैं, कोई भी प्रोग्रामर आप या हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले ये देख लिया हमने कि अल्फाबेट डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है दे मस्ट नॉट बिगिन विद आर डिजिट। लेकिन जो हम बनाते समय आइडेंटिफायर यूज करते हैं, बनाते हैं आइडेंटिफायर, तो उसका पहला कीवर्ड डिजिट्स नहीं होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई तो उसे 5 स्टूडेंट नाम नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट में हो सकता है, लेकिन डिजिट नहीं हो सकता, और सब कुछ हो सकता है बट डिजिट नहीं हो सकता। क्यों? ये जावा का रूल है। ठीक, तीसरा अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट। जो जावा है वो केस सेंसिटिव है, जहाँ पे अपर केस यदि आपने यूज किया है तो उसे जब हम कॉल करेंगे तो अपर केस से ही कॉल करेंगे। लोअर केस, अपर केस और लोअर केस दोनों को अलग समझता है। जैसे अपर केस ए और लोअर केस ए दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। जब लोअर केस यूज करेंगे तो सिर्फ लोअर केस, अपर केस यूज करेंगे तो सिर्फ अपर केस। ठीक, दे कैन बी एनी लेंथ, हम इसकी कोई भी लंबाई दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 या 4 डिजिट। इसकी कोई डिजिट से या जो भी कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे उसकी कोई लेंथ नहीं है कि वो इतने ही तक हो, उसको हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। ठीक, आइडेंटिफायर मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं आपको और कुछ बताऊंगा जिसमें से हम कब लोअर केस का यूज करें, कब अपर केस का यूज करें, कब अंडरस्कोर लगाना है। ठीक, तो इसके लिए हम आगे बताते हैं आपको। जैसे हमने कोई भी मेथड्स बनाए, ठीक, वो पब्लिक मेथड्स हैं, तो वो पब्लिक मेथड्स क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लोअर केस लेटर में बनेगा। ठीक, जैसे हमने लोअर केस फंक्शन मेथड्स बनाई, ठीक, सम मेथड्स बनाई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर केस होगा। ठीक, इसमें अपर केस का यूज नहीं करेंगे हम। लेकिन जब हम देन मोर देन वन वर्ड आर यूज्ड इन आर नेम, द सेकंड एंड सबसिक्वेंस वर्ड्स आर मार्क्ड विद आर लीडिंग अपर केस लेटर। लेकिन इसी में जब हम आपको बता दें, जैसे हमने अभी बताया कि जब हम मेथड्स बनाते हैं तो उसे लोअर केस में बनाते हैं, ठीक, लेकिन जब एक नाम जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, ठीक, लेकिन जब यही दो नाम हो गए, डेट टेम्परेचर या फर्स्ट डे मंथ ऑफ मंथ टोटल मार्क्स,
इस तरह की, मतलब जब दो वर्ड्स आपस में होते हैं तो हम इसे किस तरह लिखते हैं, जैसे डे लिखा तो डे लोअर केस में रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर होगा उसका टी यानी फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होगा, ठीक। जैसे टोटल मार्क, टोटल लोअर केस, मार्क्स में यम, सिर्फ यम अपर केस में होगा। तो ये हम जब इसी मेथड्स में, पब्लिक मेथड्स में यूज करते हैं, जब दो नाम होते हैं तब, तो पहला नेम लोअर केस और जब दूसरा नेम आएगा तो उसका पहला कैरेक्टर अपर केस में होगा, बाकी सभी लोअर केस में होंगे, ठीक। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करें, प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, ठीक, तो प्राइवेट वेरिएबल ये भी लोअर केस में ही बनेगा, ठीक। जैसे हमने बनाया लेंथ, तो लेंथ सिर्फ लोअर केस में लिखा रहेगा, लेकिन जब हमने अभी आपको बताया जैसे मेथड्स में दो नाम आ गए टोटल मार्क्स, ठीक, तो उसी तरह यदि वेरिएबल्स हम बनाते हैं, दो नाम आते हैं तो उसके बीच अंडरस्कोर यूज होता है, जैसे टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, लेकिन ये सभी लोअर केस में रहेंगे। बैच स्ट्रेंथ, तो बैच अंडरस्कोर स्ट्रेंथ, तो इस तरह से हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक। और फिर आता है जैसे कि हम इंटरफेस, क्लास एंड इंटरफेस जब डिफाइन करते हैं, तो ये पहला, जैसे हमने क्लास बनाया स्टूडेंट नाम की, ठीक, तो उसका जो स्टूडेंट में यस होगा पहला कैरेक्टर वो अपर केस में होगा, बाकी सभी लोअर केस में होंगे। तो इसी तरह से इंटरफेस में भी होता है और क्लास में भी होता है, ये जावा के रूल्स हैं, ठीक। तो जब अगर हम जावा या जावा में क्लास या इंटरफेस बनाते हैं तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, अपर केस में, बाकी सभी लोअर केस में, ठीक। जब हम किसी वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बना देते हैं, कॉन्स्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, उसे हम जब बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए टोटल नाम का हमने कॉन्स्ट की वर्ड से कॉन्स्टेंट बनाया, कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रदान की टोटल में, ठीक। तो टोटल क्या होगा, अपर केस में टोटल सभी वर्ड, ना कि पहला ना कि लास्ट, सभी अपर केस में होंगे, ठीक। लेकिन जब यही दो वर्ड्स आपस में होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ये जो हमने बताया टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स सभी कैपिटल में होंगे, लेकिन जो उनके बीच टोटल और मार्क्स के बीच होगा वो अंडरस्कोर, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट के बीच जो प्रिंसिपल होगा वो भी अपर केस में होगा, फिर इसके बाद अंडरस्कोर लगेगा, फिर अमाउंट, तो अमाउंट में भी अपर केस में होगा। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफायर के रूल्स, मतलब ये जावा में जब हम ये सारी चीज डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है, सभी के सभी अपर केस में होता है ये, जब हम कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हमने आज क्या देखा, आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक, आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं, लेकिन इसी में जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं प्रोग्राम में तो आइडेंटिफायर यूज कैसे करते हैं, तो हमने बताया कि यदि हम पब्लिक मेथड यूज करते हैं तो सभी के सभी लोअर केस में होंगे, लेकिन जब दो वर्ड्स आपस में आएंगे तो पहला लोअर केस में और दूसरे का पहला कैरेक्टर कैपिटल, मतलब कि अपर केस में होगा, ठीक। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। तो जब हम प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे या लोकल प्राइवेट मेथड या लोकल वेरिएबल, तब हमको क्या यूज करना पड़ेगा, बता चुका हूं मैं कि दूसरा वर्ड दूसरे वर्ड की पहला, जैसे डे टेम्परेचर तो टी कैपिटल में होगा, ठीक। इसी तरह से हमने बताया कि इंटरफेस और क्लास में जो पहला कीवर्ड होगा वो कैपिटल में, पहला वर्ड जो मान लीजिए कोई भी शब्द है, ठीक, स्टूडेंट, तो इसका यस कैपिटल में होगा। और ये अगर दो आते हैं, जैसे मोटरसाइकिल ले लिया जाए, तो मोटर का पहला यम भी कैपिटल होगा और साइकिल का सी भी अपर केस में होगा, मतलब मोटर का यम और साइकिल का सी और दोनों वर्ड आपस में जुड़े हुए होंगे। और जब हम कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, अपर केस में होते हैं, लेकिन जब दो आपस में शब्द जुड़ते हैं तो क्या होता है, उनके बीच अंडरस्कोर लगता है। तो दोस्तों, आज अगर आपको ये आइडेंटिफायर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं लिटरल्स क्या होते हैं, तो आइडेंटिफायर के बाद लिटरल्स, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं कि लिटरल्स क्या होता है, तब तक के लिए बाय।